स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यूट्रीबर्ग कैप्सूल। इस वीडियो में मैं आपको न्यूट्रीबर्ग कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। न्यूट्रीबर्ग कैप्सूल के क्या यूज़ हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या इसमें कंपोजिशन पाया जाता है, किस किस कंडीशन में हम न्यूट्रीबर्ग कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों न्यूट्रीबर्ग कैप्सूल की बात करें तो एलनबर्ग फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बनाती है। बात करें इसमें प्राइस की तो 95 रुपीज़ की इस पर MRP होती है, जो कि 10 कैप्सूल का पूरा एक स्ट्रिप होता है। दोस्तों ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है, एंटीऑक्सीडेंट एंड मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स। बात करते हैं इसमें इंग्रेडिएंट की, कौन कौन से इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं न्यूट्रीबर्ग कैप्सूल के अंदर। दोस्तों इंग्रेडिएंट की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन बी, D3, विटामिन B1, B2, B6, B12, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों फॉलिक एसिड, ये सारे जिंक, ये सारे इंग्रेडिएंट इस न्यूट्रीबर्ग कैप्सूल के अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों इसके इस्तेमाल की बात करें, इसके इस्तेमाल करने से हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं। दोस्तों इसके बेनिफिट की बात करें तो इसके इस्तेमाल करने से आपको यदि कमज़ोरी है, हाथ पैरों में दर्द है आपके, आपको वीकनेस रहती है, आपको चक्कर की शिकायत रहती है, आपका काम करने में मन नहीं लगता, या चिड़चिड़ापन है, उन सभी को दूर करने के लिए आप ये न्यूट्रीबर्ग कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इसकी डोज की, कितनी कितनी मात्रा में आपको इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। दोस्तों इस्तेमाल की बात करें तो आपको एक क्रोज का एक कैप्सूल इस्तेमाल करना है ताज़ा पानी के साथ। दोस्तों देख सकते हैं आपको किस तरह का कैप्सूल इसके अंदर पाया जाता है, ये ब्लैक तरह का इसके अंदर कैप्सूल पाया जाता है। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।